ये वो जगह है जहाँ कोहिनूर हीरा मिला। इस गांव का नाम है कोलरू और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। कोहिनूर जो इस गांव में मिला वो कई शासकों के हाथों से होकर गुजरा। दक्षिण भारत के काकतिया शासकों से कोहिनूर कुतुब शाहियों के पास गया और वहां से मुगलों के पास पहुंचा। अंत में ये हीरा पहुंचा अंग्रेजों के हाथों में और आज भी उन्हीं के पास है। बैप्टिस्ट टावर्नियर अने 20 फ्रेंच यात्री फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट टावर्नियर ने लिखा था कि 16वीं शताब्दी में 60,000 मजदूर खदानों में काम करते थे। इटली के यात्री मार्को पोलो ने भी 13वीं शताब्दी में अपने काम का ब्यौरा देते हुए इन खदानों का जिक्र किया था। कोलरू की खदानें कृष्णा नदी के किनारे पर मौजूद हैं। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ जमीन की सतह के नीचे 2 से 14 फीट के दायरे में हीरे मिल जाते हैं। दुनिया के कई मशहूर हीरे यहीं से आए। गोलकुंडा दुनिया भर में कोलरू की खदानों की वजह से मशहूर हुआ। इस इलाके में हर दिन लोग हीरा ढूंढने आते हैं। हम यहाँ इस उम्मीद के साथ आए कि हमें हीरा मिलेगा, कुछ को पहले मिला भी है। पूरी चिंताला इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से कोलरू पानी में डूब जाएगा और इसी के साथ पानी के अंदर समा जाएंगे कुतुब शाही वंश के दौर में बने स्मारक।